गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. दिस इज़ योर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास एंड वेलकम बैक. ओपन योर गुल मोहर बुक, पेज नंबर 78. राइट टुडेज डेट. टुडे इज 1st of December 2020. वी विल लीव क्वेश्चन नंबर ए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी. मैच द वर्ड्स इन ए विद द करेक्ट वर्ड्स इन बी टू मेक कंप्लीट सेंटेंस. मीन्स वी नीड टू कंप्लीट ऑल द सेंटेंस. टाइगर कैच माउस डियर बिकॉज ही इज हंग्री. सो राइट हियर नंबर वन, राइट हियर नंबर बी. माउस डियर इज स्केर्ड बिकॉज माउस डियर डर गया क्योंकि टाइगर वॉन्ट्स टू ईट हिम. माउस डियर लुक एट बी हाइव एंड ही हैज एन आइडिया टू सेव हिमसेल्फ. माउस डियर को एक बी हाइव दिखा दी और इमिजिएटली उसके दिमाग में एक आइडिया आया काहे के लिए, उसको अपने आप को बचाने के लिए. टाइगर इज हैप्पी बिकॉज ही कैन बीट द ड्रम. टाइगर बहुत खुश हो गया क्योंकि वो ड्रम बजाना चाहता था और अब वो ड्रम बजा सकता था, ये सोचकर ही खुश हो गया. बीज स्टिंग टाइगर बिकॉज टाइगर हिट्स द बीहाइव. बी ने, मधुमक्खी ने टाइगर को डंक मारा, स्टिंग बिकॉज टाइगर हिट द बीहाइव क्योंकि उसने इस बीहाइव पे लकड़ी से, डंडे से मारा था. टाइगर जंप्स इनटू द रिवर सो द बी कैन नॉट स्टिंग टाइगर नाउ. टाइगर रिवर में कूद गया क्योंकि अब उनको रिवर में कूद गया तो अब बीज उनको स्टिंग, टाइगर को स्टिंग नहीं कर सकती थी. टिक द करेक्ट आंसर. दे मे बी मोर देन वन करेक्ट. हियर सम ऑप्शंस आर गिवन. यू रीड द, नीड टू रीड द सेंटेंस एंड टेक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. कभी कभी किसी में एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है. माउस डियर सेज द बीज, द बी हाइव इज द किंग्स ड्रम बिकॉज ही वॉन्ट टू प्ले अ ट्रिक ऑन टाइगर. वो टाइगर पे ट्रिक प्ले कर रहा था, एक उसको उसको बुद्धू बना रहा था. नेक्स्ट पेज नंबर 79. कुछ सेंटेंस नंबर 2. डू यू थिंक माउस डियर रन अवे. तुमको क्या लगता है, माउस डियर भाग गया? ही डज नॉट वॉन्ट टाइगर टू ईट हिम अप. तुमको क्या लगता है कि माउस डियर क्यों भाग गया? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टाइगर उसे खा ले. ही नोज द बी विल कम आउट एंड स्टिंग हिम. वो जानता था कि अगर मधुमक्खियों ने उसे भी देखा तो उसे भी काट लेंगी. इससे अच्छा भाग जाओ कि सामने सिर्फ टाइगर ही रहेगा तो टाइगर को ही काटेंगे, इसलिए वो भाग के छिप गया. नेक्स्ट चैंपियंस, आई होप यू हैव डन प्रीपोजिशन इन ग्रामर. प्रीपोजिशन किया है ना, स्थान, प्लेस, जहां पे कोई चीज होती है या पाई जाती है. रीड दी सेंटेंस. द बीज इन द बी हाइव आर वेरी एंग्री. देखो, इन इज इन रेड कलर. टाइगर इट स्टैंड ऑन अ रॉक. माउस डियर सीज द बी हाइव अबव हिम. वर्ड लाइक इन, ऑन, अंडर, अबव हेल्प अस टू शो वेयर द पर्सन और थिंक इज. अभी बताया ना, दीज वर्ड शोज कोई चीज या इंसान, कोई चीज कहाँ है. वेयर इट इज मीन्स प्रीपोजिशन, उसका पोजिशन. देखो यहाँ पे आ गया, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस इन, ऑन, अंडर, अबव. इन द बास्केट, बनानाज आर इन द बास्केट. ऑन द टेबल, दिस बुक्स इज ऑन द टेबल. अंडर, गर्ल इज अंडर द ट्री. अबव द बेड, दिस फैन इज अबव द बेड. All right, come to the next page. Page number 80. Match these sentence in A with the correct pictures in B. Spoon is in the cup. The plate is on the table. This A, plate is on the table, right here 2, right here A. The crow is above the fox. This crow is above the fox, right here number 3, right here number E. The spider are under the bed. The slippers are under the bed. Slippers are under the bed. Right here number 4, right here number B. The cat is in the box. Number D, here number 5. Champions, in this chapter there is no question and answer. So in copy work, we will skip the question and answer part. Alright, now come to the next page number 81. Look at this picture, complete these sentence with the words given in the box. ठीक है, यू मे यूज द वन वर्ड
more than once. Box is on the shelf. This box is on the shelf. My socks are in my shoes. We sleep in the quilt because it is cold. Quilt means होती है रजाई. अभी आप रजाई में सोते हैं ना, quilt means होती है रजाई. We sleep in the quilt. हम रजाई में सोते हैं because it is cold, क्योंकि जाड़े का मौसम है, ठंडा है. The lamp hang above the table. Above का मतलब ऊपर, तो lamp hang above the table. The bird is under the window sill. Now, odd one out. Circle the odd one. टाइगर, लायन, बेयर, गोल्ड फिश, ये सब जंगल जानवर हैं और ये वाटर एनिमल है. किंग, क्राउन, एम्परर, क्वीन. क्राउन, क्योंकि ये सब एक पोस्ट है. किंग मीन्स राजा, एम्परर मीन्स बादशाह, क्वीन मीन्स रानी, और ये इसका मतलब क्राउन मीन्स ताज. ये सब एक पोस्ट है, किसी इंसान है कोई, और ये एक नॉन लिविंग थिंग है. फ्लूट, ड्रम, वायलिन, विसिल, ये दीज ऑल आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ये हम अपने मुंह को गोल करके बजाते, होठों को करके गोल हम विसिल बजाते हैं. स्पैरो, बीज, लेडीबग, बटरफ्लाई, दीज ऑल आर इंसेक्ट एंड दिस इज बर्ड, सो दिस इज ऑड. लुक एट दिस पिक्चर, राइट द एक्शन वर्ड्स. ड्रिंक, हाइट, बीट, डांस, स्विम. वन मोर इज यर स्विम. नाउ look at the picture of these animal. Those one animal, choose one animal and tell the class about it. Just like here 1 2 3 4 5 6 animals are given. You will choose any one of it and you write its name. Suppose we are taking lion. Its name is lion. It look like, ye kuch kuch cat ki family se aata hai ya kuch kuch cat ki tarah dikhta hai, so we can write here cat. Where it live? Den or cave. It eat meat or flesh. आप चाहे, if you want, आप इसमें से कोई और का भी लिख सकते हैं, उसको learn कर सकते हैं, ठीक है. Now come to the next page, the last page number 84. Read these sentence. About the mouse deer. The mouse deer is a small animal. It is mostly reddish brown. It has spots and stripes in white and light color. It eat leaves and fruits. It lives in holes in trees and rocks. ठीक है, माउस डियर के बारे में है. माउस डियर एक स्मॉल एनिमल है, रेडिश ब्राउन उसका कलर होता है, और वो स्ट्राइप्स और स्पॉट्स और स्ट्राइप्स होते हैं व्हाइट या लाइट कलर का. वो लीव्स और फ्रूट्स खाता है और वो ट्री के होल्स में या रॉक्स के होल्स में रहता है. अब क्या करना है, नाउ कंप्लीट दी सेंटेंस अबाउट द टाइगर विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में से करेक्ट वर्ड लेना है, देन राइट द सेंटेंस इन. ओके, चलिए अब आपको इस यही सेम सेंटेंस यहाँ माउस डियर के लिए दिया है और यहां आपको टाइगर के लिए पूछा है. चलिए चलिए, द टाइगर इज अ लार्ज एनिमल. यहां स्मॉल एनिमल था. इट इज मोस्टली येलो एंड ऑरेंज और ऑरेंज कलर का होता है. इट हैज ब्लैक स्ट्राइप्स, उसमें ब्लैक धारियां होती हैं. इट ईट अदर एनिमल्स, वो दूसरे जानवरों को खाता है. इट लिव्स इन बुश और केव्स, ठीक है, वो बुश या केव्स में रहता है.